अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम अरुसा रमज़ान फ्रॉम जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। माय सब्जेक्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कोर्स को पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने फ्रेगमेंटेशन को पढ़ा है और अब हम आज का हमारा टॉपिक क्या है कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन है उसकी नेक्स्ट स्टेप है प्राइमरी हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन। तो प्राइमरी हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, तो हम उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। वेयर आर जे इज़ इक्वल टू एफ जे इन टू रिलेशन आर एंड वन इज़ लेस दैन इक्वल टू जे एंड लेस दैन इक्वल टू डब्ल्यू। वेयर एफ जे इज़ द सिलेक्शन फार्मूला विच इज़ अ मिन टर्म प्रेडिकेट। वी नो दैट द मिन टर्म प्रेडिकेट इज़ दैट वेयर द नंबर ऑफ टपल्स ऑफ द रिलेशन दैट वुड बी असेस्ड बाई अ यूजर क्यूरी विच इज़ स्पेसिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन मिन टर्म प्रेडिकेट एम आई। मीन्स दैट के अगर आपके पास जो है वो नंबर ऑफ़ टपल्स हैं किसी रिलेशन के, तो उसको आप असेस कर सकते हैं सिंपल एक यूज़र क्यूरी की मदद से। ठीक है, अगर आप उसको यूज़र क्यूरी की मदद से असेस कर लेते हैं दैन स्पेसिफाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन मिन टर्म प्रेडिकेट दैन इट विल बी कॉल्ड द मिन टर्म प्रेडिकेट। अच्छा जी, उसके बाद कहता है कि हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन आर आई ऑफ द रिलेशन आर consist of all the tuples of R which satisfy a minterm predicate M I. Means that given a set of minterm predicate M, there are as many horizontal fragments of relation R as there are minterm predicates, set of horizontal fragments also referred as minterm fragments. अच्छा जी, क्या ये रहा है कि आपके पास अगर हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंट में R I है और उसका रिलेशन R आपने R में से निकाला था R I ऑफ ऑल टपल्स ऑफ आर, मीन रिलेशन आर के हर टपल में से आपने क्या करना है कि आप मिन टर्म प्रेडिकेट्स एम आई को निकालना है। देन गिवन अ सेट ऑफ मिन टर्म प्रेडिकेट एम, अब आपके पास गिवन है इसमें जो सेट ऑफ मिन टर्म प्रेडिकेट एम है टोटल है ये मिन टर्म प्रेडिकेट्स, इसको हमने कैपिटल एम से डिनोट करवाया। अच्छा जी, देयर आर एस मैनी हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंट्स ऑफ रिलेशन आर, इसके अंदर बहुत सारी हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशंस होंगी जिसको आपने रिलेशन आर से डिनोट कराया है और इसके अंदर मिनटर्म प्रेडिकेट्स भी होंगे। ठीक है, अगर आपके पास सेट ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंट्स हैं देन आल्सो रेफर्ड एज द मिनटर्म फ्रेगमेंट्स, तो उसको आप मिनटर्म फ्रेगमेंट्स के तौर पे जो है वो रेफर्ड कर सकते हैं। इसको हम जो है वो प्राइमरी हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन को, जिसके अंदर हमने जो है वो पीसीस करने हैं, टुकड़े करने हैं, फ्रेगमेंट्स बनाने हैं अपने जो है वो टोटल आपकी जो डाटा सेट है, जो डाटा बेस है उसको, तो उसको बनाने के लिए जो है वो हम एक एग्जांपल को लेते हैं, फिर हमें इसकी जो है वो अच्छी समझ आएगी। एग्जांपल है मेरे पास गिवन में कहता है कि आपके पास एक रिलेशन है रिलेशन आर। अब यहाँ पे रिलेशन आर मीन्स दैट अ डाटा सेट डाटा बेस एंड यू कैन से आल्सो द डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा बेस डाटा सेट द सेट ऑफ सिंपल प्रेडिकेट पी आर। अब आपके पास क्या है गिवन में, एक आपके पास रिलेशन आर है और आपके पास जो है वो सेट ऑफ सिंपल प्रेडिकेट्स हैं, यानी कि मेरे पास नंबर ऑफ जो है वो सिंपल प्रेडिकेट्स हैं, पी आर स्टैंड फॉर द प्रेडिकेट्स। आउटपुट आपको निकालनी है कि आपके पास सेट ऑफ फ्रेगमेंट्स बने वेयर आर इज़ इक्वल टू आर वन आर टू एंड सो वन आर डब्ल्यू विच ओबे द फ्रेगमेंटेशन रूल्स। आपने आर जो रिलेशन है उसके फ्रेगमेंट्स बनाने हैं, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स जो है वो आप उसको बना सकते हैं, और जब आपने उसकी फ्रेगमेंटेशन करनी है तो लाजमी है कि आप जो है वो फ्रेगमेंटेशन के तमाम रूल्स को ओबे करें। अच्छा जी, अब आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि प्रेडिकेट जो है वो शुड बी कंप्लीट, आपका जो प्रेडिकेट है वो कंप्लीट होना चाहिए, और प्रेडिकेट शुड बी मिनिमल, मिनिमल होना चाहिए। आइए हम पहले सीखते हैं कि हमारे पास जो प्रेडिकेट कंप्लीट है वो कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो सिंपल प्रेडिकेट है वो कंप्लीट फॉर्म में मौजूद है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ सेट ऑफ सिंपल प्रेडिकेट पी आर इज सेट टू बी कंप्लीट, इसको हम कंप्लीट कहेंगे अगर हम जो है उसमें से एक टप्पल को मिन टर्म फ्रेगमेंट्स में से असेस करें एंड डिफाइन ऑन प्रेडिकेट रिक्वायर्ड दैट टू टप्पल्स ऑफ द सेम मिन टर्म से दो टप्पल्स जो आपने निकाले हैं मिन टर्म फ्रेगमेंट्स में से उसके अंदर सेम प्रोबेबिलिटी हो कि आप उसको असेस कर सकते हैं बाय एनी एप्लीकेशन दैन इट विल बी कम्प्लीट, अदरवाइज इट इज़ नॉट कम्प्लीट ऑफ द सिंपल प्रेडिकेट। अ सेट ऑफ में अब हम इसको जो है वो कम्प्लीटली रिवाइज कर लेते हैं, सेट ऑफ सिंपल प्रेडिकेट पी आर इज सेट टू बी द कम्प्लीट इफ एंड ओनली इफ द असेस टू द टप्पल ऑफ द मिन टर्म फ्रेगमेंट्स, असेस करना है आपने
किसको मिनटम फ्रेगमेंट्स को डिफाइन एंड प्रेडिकेट रिक्वायर्स दैट टू टपल ऑफ द सेम मिनटम फ्रेगमेंट्स हैव द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग असेस्ड बाय एन एप्लीकेशन। ठीक है, एक ही एप्लीकेशन के साथ जो है वो आपको सेम प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि किसी एक एप्लीकेशन के साथ जो है वो आप जो आपके सेम मिनटम फ्रेगमेंट्स से उसके दो जो टपल है उसको आप इजीली असेस कर सकें। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास एज्यूम करें प्रोजेक्ट है, आपके पास प्रोजेक्ट नंबर है, प्रोजेक्ट नेम है और हमारे पास बजट है, लोकेशन है। हैज़ टू एप्लीकेशंस डिफाइन, ओनली टू एप्लीकेशन हम इस पर डिफाइन करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास फाइंड द बजट ऑफ प्रोजेक्ट एट ईच लोकेशन, हमें बजट जो है प्रोजेक्ट का निकालना है हर लोकेशन पे। और सेकंड में हमें फाइंड प्रोजेक्ट विद बजट लेस दैन 2 लाख, साथ में हमें जो 2 लाख डॉलर है उससे लेस दैन जो बजट है उसको भी निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास दो एप्लीकेशंस हैं, अगर दोनों एप्लीकेशन एट अ टाइम जो है वो हम उसको असेस कर सकते कर लें तो इट्स मीन दैट कि हमारे पास जो सिंपल प्रेडिकेट है वो कंप्लीट फॉर्म में है। और अगर हम एट अ टाइम जो है वो एक को असेस करें, यानी हम सिर्फ ये निकालें कि फाइंड द बजट ऑफ प्रोजेक्ट एट ईच लोकेशन, देन इट वुड नॉट बी द कंप्लीट सिंपल प्रेडिकेट। रिजॉल्व करके देखते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट जो हमने जिसके अंदर जो है वो हमने फाइंड आउट करना था कि बजट ऑफ द प्रोजेक्ट एट ईच लोकेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट हम निकालते हैं हर लोकेशन पे, हमने लोकेशन जो है वो लिखी मोन, हमारे पास अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टेबल प्रेडिकेट इज इक्वल टू लोकेशन मॉन्ट्रियल, लोकेशन न्यूयॉर्क, लोकेशन पेरिस, बट इट इज़ नॉट बी कम्प्लीटेड क्योंकि हमारे पास जो सेकेंड है वो हमने उसके अंदर रिजॉल्व नहीं किया, तो हमें उसे मॉडिफाई करना होगा ताकि हम एट अ टाइम जो है वो दोनों को असेस कर सकें। सेकेंड वन इज़ दैट फाइंड द प्रोजेक्ट विद बजट लेस दैन 2 लाख डॉलर। ठीक है, तो उसको भी हमें इसमें ऐड करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेकेंड वन आपके पास ये भी है जिसमें लिखा है प्रोजेक्ट इज प्रेडिकेट इज इक्वल टू लोकेशन मॉन्ट्रियल, लोकेशन इज इक्वल टू न्यूयॉर्क, लोकेशन पेरिस। इसमें अब सारे लोकेशन जो है वो साइट्स की आ चुकी हैं। बजट इज़ लेस दैन इक्वल टू 2 लाख एंड बजट इज़ ग्रेटर दैन 2 लाख। अब ये हमारे पास जो है वो कम्प्लीट फॉर्म में ये शो करा रही है कि हमारे पास जो सिंपल प्रेडिकेट है वो कम्प्लीटेड फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, अब नेक्स्ट है मेरे पास कि हाउ कैन वी चेक द मिनिमलिटी ऑफ द सिंपल प्रेडिकेट, क्योंकि हमने जो है वो देखा था कि हमें दो रूल्स अप्लाई करनी है कि प्रेडिकेट शुड बी कम्प्लीट एंड प्रेडिकेट शुड बी मिनिमल। तो अब मिनिमलिटी कैसे चेक करेंगे, इफ़ अ प्रेडिकेट इन्फ्लुएंसेस हाउ फ्रेगमेंटेशन इज परफॉर्म्ड, दैट इज कॉज अ फ्रेगमेंट्स एफ टू बी फर्दर फ्रेगमेंटेड इनटू से एफ आई एंड एफ जे, देन देयर शुड बी एटलीस्ट वन एप्लीकेशन दैट असेस एफ आई एंड एफ जे डिफरेंटली। अगर आपके पास जो है वो एक प्रेडिकेट है और उसको आपने कैसे फ्रेगमेंटेशन में तोड़ा है, फॉर एग्जांपल आपने उसकी फ्रेगमेंट्स बनाए, जैसे मेरे पास टोटल जो डाटा सेट है वो उसको मैंने एफ का नाम दिया, टोटल जो फ्रेगमेंट था उसको हमने एफ का नाम दिया और फिर हमने उसको फर्दर जो है वो तोड़ा है, नेक्स्ट उसकी फर्दर फ्रेगमेंटेशन की है और उसका मैंने नाम रखा है एफ आई एंड एफ जे, दो मेरे पास जो है वो फ्रेगमेंटेड पार्ट्स हैं। देन शुड बी एटलीस्ट वन एप्लीकेशन दैट इट सेस एफ आई एंड एफ जे डिफरेंटली, कोई एक ऐसी एप्लीकेशन होनी चाहिए जो एफ आई और एफ जे दोनों को डिफरेंटली असेस कर सके। अगर वो असेस कर लेती है तो इट्स मीन दैट कि हमारे पास जो है मिनिमलिटी है वो सिंपल प्रेडिकेट के अंदर मौजूद है, अदरवाइज जो है वो मौजूद नहीं है। इन अदर वर्ड्स द सिंपल प्रेडिकेट शुड बी रेलिवेंट इन डिटरमाइनिंग आर फ्रेगमेंटेशन इफ़ ऑल द प्रेडिकेट्स ऑफ अ सेट प्रेडिकेट आर रेलिवेंट देन प्रेडिकेट इज मिनिमल। अगर आपके पास तमाम प्रेडिकेट्स या सेट ऑफ प्रेडिकेट्स जो हैं वो रेलिवेंट फॉर्म में हैं, इट्स मीन दैट कि आपके पास जो प्रेडिकेट है वो मिनिमल फॉर्म में है। तो नीचे जो है वो फार्मूला गिवन है, उसकी वजह से जो है वो आप अपनी मिनिमलिटी ऑफ सिंपल प्रेडिकेट जो है उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो है वो मेरे अकाउंट इज इक्वल टू मिन टर्म आए, मैंने दो मिन टर्म्स लिए हैं और मिन टर्म जे। ठीक है, और दो फ्रेगमेंट्स लिए हैं, मैंने दो फ्रेगमेंट्स बनाए हैं, एक जो आपके पास एफ फ्रेगमेंट था उसका एक को नाम दिया एफ आई और एक को नाम दिया एफ जे। अगर मेरे पास मिन टर्म जो है वो आए और जो फर्स्ट फ्रेगमेंट एफ आई है ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं जे और एफ जे के, इट्स मीन दैट के मेरे पास जो है वो मिनिमलिटी सिंपल प्रेडिकेट के मौजूद है। इसके एग्जांपल जो है उसको डिसोल्व करके देखते हैं, फिर हमें पता चलेगा, इजीली समझ आएगी कि जो है वो सिंपल प्रेडिकेट के अंदर मिनिमलिटी को कैसे चेक करते हैं।
मिनिमलिटी ऑफ द सिंपल प्रेडिकेट एंड एग्जांपल दैट अभी लास्ट में जो हमने क्वेरी लगाई वही हम दोबारा यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास लोकेशन भी गिवन है और साथ में लोकेशन पर साइट और साथ में बजट। कह रहा है कि अगर आपके पास प्रोजेक्ट प्रेडिकेट इज इक्वल टू लोकेशन जो है वो मॉन्ट्रियल, लोकेशन न्यूयॉर्क, लोकेशन पेरिस एंड बजट इज़ लेस दैन इक्वल टू 2 लाख एंड बजट इज़ ग्रेटर दैन द 2 लाख, देन इट्स मीन दैट कि इज़ मिनिमल इन एडिशन टू बीइंग कंप्लीट बिकॉज इट इज़ कंप्लीटेड। हाउएवर इफ वी एडिट, अगर हम एडिट इसमें ऐड करें प्रोजेक्ट नेम इज इक्वल टू इंस्ट्रूमेंटेशन देन प्रेडिकेट इज़ नॉट मिनिमल, मीन्स दैट कि हम अगर इसमें प्रोजेक्ट का नेम वो साथ में ये भी जो है वो डाटा ऐड कर लें तो इट्स मीन दैट कि आपके पास जो प्रेडिकेट था वो मिनिमल फॉर्म में नहीं था। अब मिनिमलिटी को चेक करने के लिए जो है वो हमारे पास एक एल्गोरिदम है जिसकी वजह से जो है वो हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो सिंपल प्रेडिकेट है वो मिनिमल फॉर्म में है या नहीं है। उसमें सबसे पहले हमारे पास गिवन में क्या है, कि आपके पास एक रिलेशन आर गिवन है एंड सेट ऑफ सिंपल प्रेडिकेट, मेरे पास एक सिंपल सेट है प्रेडिकेट का और एक रिलेशन आर है, ठीक है, और मुझे इसमें से आउटपुट निकालनी है कि अ कंप्लीट एंड मिनिमल सेट ऑफ सिंपल प्रेडिकेट पी आर डैश फॉर पी आर। अब पी आर डैश भी प्रेडिकेट है, सिंपल प्रेडिकेट एंड पी आर भी प्रेडिकेट है। पी आर डैश वो प्रेडिकेट है जो आपने सिंपल प्रेडिकेट्स पी आर में से फाइंड आउट किए, यानी कि हमने आफ्टर फ्रेगमेंटेशन जो है वो उसमें से सिंपल प्रेडिकेट्स निकाले तो उसको हमने सेकेंड सेट का नाम दिया पी आर डैश, ठीक है। ये हमने आउटपुट फाइंड आउट करनी है कि कंप्लीट हो, मिनिमल हो, सेट ऑफ सिंपल प्रेडिकेट हो, किस में से निकालना है, पी आर में से निकालना है, यानी प्रेडिकेट में से निकालना है पी आर डैश के लिए। अब फर्स्ट रूल हम इसमें अप्लाई करेंगे, अ रिलेशन और फ्रेगमेंट्स इज पार्टीशन इंटू एटलीस्ट 2 पार्ट्स विच आर असेस डिफरेंटली बाय एटलीस्ट 1 एप्लीकेशन। पुरानी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक रिलेशन है आपके पास या आपने अगर उसको तोड़ा हुआ है तो फ्रेगमेंट होगा, फ्रेगमेंट इज द पार्टीशन इज इंटू एटलीस्ट 2 पार्ट्स, 2 हिस्सों में हम उसकी पार्टीशनिंग करते हैं, देन उसको असेस करें डिफरेंटली बाय एटलीस्ट 1 एप्लीकेशन किसी एक एप्लीकेशन के साथ। पहला रूल आपने ये लगाना है, ठीक है। सेकेंड वन है मेरे पास, हमने रूल अप्लाई करके देखना है, इनिशियलाइजेशन की फाइंड किया, फाइंड अ पी आई विच इज़ बिलोंग टू पी आर। अब यहाँ पे पी आई जो है वो फर्स्ट प्रेडिकेट है जो कि मैंने पी आर में से निकाला है, सच दैट द पी आई पार्टीशन आर अकॉर्डिंग टू द रूल 1। कहता है रूल 1 को अप्लाई करते हुए हमने क्या किया है कि हमने पार्टीशनिंग जो है वो पी आई पार्टीशनिंग आर जो है उसको निकाला है। देन सेट पी आर डैश इज इक्वल टू पी आई, पी आर डैश इनके सेकेंड प्रेडिकेट आफ्टर द फ्रेगमेंटेशन विच इज़ इक्वल टू द फर्स्ट प्रेडिकेट या टपल ऑफ सम प्रेडिकेट एंड पी आर, अगर हम प्रेडिकेट में से जो है वो फर्स्ट वाला जो प्रेडिकेट निकाला था उसको हम निकाल दें, देन इट इज़ इफ़ इट इज़ बिलोंग टू द सिंपल प्रेडिकेट देन एफ जो है वो एफ आई इज़ द नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन ऑफ द एफ, यानी हमने एफ को मजीद जो है उसके फ्रेगमेंट्स बनाए जिसको नाम दिया एफ आई का, और एफ आई जो है वो बिलोंग करता हो एफ से, यानी कि अगर आप एफ आई का डाटा जो है वो निकालें जो आपने नेक्स्ट फर्दर डिवाइड किया था वो बिलोंग करना चाहिए आपका एफ के साथ, ठीक है। इसी तरह से अगर आप जो है वो पी आई को जो आपका आपने निकाला था प्रेडिकेट में से उसको निकाल लेते प्रेडिकेट से तो प्रेडिकेट फिर बिलोंग करना चाहिए फर्स्ट वाले प्रेडिकेट के साथ। इनिशियली क्या करेंगे कि ऐड करेंगे प्रेडिकेट को हम जो है वो पी आर डैश में अनटिल इट इज़ कंप्लीटेड, यानी आइट्रेटिवली हमें एक एक करके ऐड करते जाना है तमाम प्रेडिकेट्स को पी आर डैश के यानी सेकेंड वाले प्रेडिकेट के अंदर अनटिल इट इज़ कम्प्लीटेड, यहाँ तक कि ये कम्प्लीट ना हो जाए, ठीक है। देन क्या करना है, फाइंड अ पी जे विच इज़ बिलोंग टू द पी आर, पी आर इज़ द प्रेडिकेट विच दैट पी जे, पी जे इज़ द नेक्स्ट पार्टीशन लाइक दैट, ऊपर आपने जैसे पी आई है ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट था एंड पी जे जो है वो सेकेंड पार्टीशन है मेरे पास प्रेडिकेट के, नेक्स्ट एफ के है, एफ के जो है मेरे पास नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन की है, नेक्स्ट फ्रेगमेंट है मेरे पास जो टोटल फ्रेगमेंटेशन एफ है उसमें से हमने निकाला, ठीक है, हम आइटरेटिवली उसको ऐड कर रहे हैं।
ठीक है, फाइंड कहते हैं फाइंड अ पी जे विच इज़ बिलोंग टू द पी आर प्रेडिकेट सच दैट द पी जे पार्टीशंस सम एफ के डिफाइन अकॉर्डिंग टू मीन टर्म प्रेडिकेट और पी आर अकॉर्डिंग टू रूल वन. फर्स्ट रूल ये अभी हम चला रहे थे, आइटरेटिवली हमने उसको ऐड किया. देन सेट पी आर डैश विच इज़ इक्वल टू द पी आर यूनियन, यानी कि हम ऐड करेंगे पी आई को. देन जो आपके पास पी आई है सेम एज इट इज़, उसको अगर हम पी आर में से जो है वो मिनिमल कर दें, देन मिनिमाइज कर दें, देन पी आर बिलोंग्स टू द पी आर, मेन प्रेडिकेट बिलोंग्स टू द सेकेंड प्रेडिकेट. एंड इफ फर्स्ट फ्रेगमेंट ऑफ द फ्रेगमेंटेशन इज़ एडिड टू द टोटल फ्रेगमेंटेशन, देन टोटल फ्रेगमेंटेशन द बेसिक पार्ट ऑफ द फ्रेगमेंटेशन इज़ बिलोंग टू द एफ. ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि इफ़ आपके पास जो है वो थर्ड वन पी के, थर्ड वन की बात कहते हैं पी के विच इज़ बिलोंग टू द पी आर डैश, यानी सेकेंड जो आपके पास प्रेडिकेट है जो नॉन रेलिवेंट है, देन जो है वो आपको रूल लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रेडिकेट सेकेंड प्रेडिकेट डैश विच इज़ बिलोंग टू द पी आर डैश एंड पी आर डैश इज़ माइनस विद पी के वेयर एफ इज़ बिलोंग टू द एफ, यानी एफ इज़ द फ्रेगमेंटेशन, टोटल फ्रेगमेंटेशन जो हमने ली थी उसको हम एफ से डिनोट कर रहे हैं. उसके बाद जो है वो हमने उसके नेक्स्ट पार्ट जो है वो बनाया जिसको हमने नाम दिया एफ के का. और एफ के जो है वो हमारे पास अगर हम उसमें से निकाल भी दें देन भी हमारे पास जो मेन फ्रेगमेंटेशन है उसके साथ इसको बिलोंग करना होगा. ठीक है, ये था हमारे पास थोड़ी सी एल्गोरिदम की थ्योरी, एल्गोरिदम के बारे में पढ़ रहे थे हम. ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं मेक यूज़ ऑफ मिनिमम, जो आपके पास मिनिमल एल्गोरिदम है टू परफॉर्म द फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन को बनाने के लिए जब हम इसको अप्लाई करते हैं. इनपुट में मेरे पास एक रिलेशन आर है एंड सेट ऑफ सिंपल प्रेडिकेट पी आर हैं, पी आर स्टैंड फॉर द प्रेडिकेट. आउटपुट में हमें चाहिए मिनिमम प्रेडिकेट्स एम अकॉर्डिंग टू विच रिलेशन आर इज़ टू बी फ्रेगमेंटेड. ठीक है, वेयर पी आर बिलोंग्स टू द आपके एल्गोरिदम, देन आर इज़ द रिलेशन एंड द प्रेडिकेट. इसमें से निकालना क्या क्या है, हमें डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द सेट ऑफ एम मिनिमम प्रेडिकेट, फर्स्ट वन इज़ दैट, एंड सेकेंड वन इज़ द डिटरमाइन द सेट ऑफ आई ऑफ इम्प्लीकेशंस अमंग पी आई बिलोंग्स टू द प्रेडिकेट, एंड एलिमिनेट द कंट्राडिक्टरी मीन टर्म्स फॉर्म द टोटल जो आपके पास मेन टर्म्स हैं वो. ठीक है, एलिमिनेट करना है आपने कंट्राडिक्टरी मेन टर्म्स को. ठीक है, तीन रूल्स हैं. सबसे पहले सेट ऑफ मेन टर्म्स प्रेडिकेट को निकालना है, सेकंड में हमें इम्प्लीकेशंस निकालनी है कि आपके पास जो पी आई है फर्स्ट प्रेडिकेट, फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट फ्रॉम द पी आर वो, देन आपको एलिमिनेट करना है अगर आपके पास जो है वो कंट्राडिक्टरी मेन टर्म्स मौजूद हैं टोटल मेन टर्म्स के अंदर. ठीक है, ये आपने रूल लगाना है. नेक्स्ट है हम एग्जांपल रिसॉल्व करने लगे हैं ताकि हमें पता चले कि हम जो है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं या नहीं. ठीक है, कहते हैं दो कंडीशंस हैं आपके पास, दो कैंडिडेट्स हैं, सॉरी कैंडिडेट रिलेशंस हैं, जिस एक का नाम दिया है हमने पे का और एक का नाम दिया है हमने प्रोजेक्ट का. ठीक है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ रिलेशन पे, सबसे पहले तो हम पे जो है ना उसकी फ्रेगमेंटेशन करते हैं. ठीक है, इसको मैंने रिलेशन का नाम दिया, इसको आप डेटा सेट भी कह सकते हैं, रिलेशन भी कह सकते हैं. अच्छा जी, एप्लीकेशन में क्या है कहते चेक करें द सैलरी इन्फो एंड डिटरमाइन रेस. सेकेंड वन इज़ एम्प्लॉय रिकॉर्ड केप्ट एट टू साइट्स, दोनों साइट्स पे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखें. एप्लीकेशन रन एट टू साइट्स, दोनों साइट्स पे एप्लीकेशन रन होंगे. ठीक है, अब इसमें सिंपल प्रेडिकेट क्या है, सिंपल प्रेडिकेट विच इज़ पी वन एंड पी टू, पी वन इज़ इक्वल टू सैलरी विच इज़ लेस देन इक्वल टू द 30,000 एंड पी टू इज़ अ सेकेंड सिंपल प्रेडिकेट वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन टू द 3,000 एंड प्रेडिकेट टोटल प्रेडिकेट इज इक्वल टू पी वन पी टू सिंपल प्रेडिकेट्स विच इज़ कम्प्लीट एंड मिनिमल इफ द पी आर डैश विच इज़ इक्वल टू द टोटल सिंपल मिनिमम प्रेडिकेट्स. ओके, मिनिमम प्रेडिकेट्स एम वन हमने लिया, एम टू लिया, सैलरी है मेरे पास लेस देन इक्वल टू द 30,000 एंड एम टू नॉट, सैलरी
इज इन लेस देन इक्वल टू 30,000 एंड इक्वल टू द सैलरी ग्रेटर देन, ये मेरे पास M1 है और M2 है, ये मेरे पास जो है वो मिन टर्म प्रेडिकेट्स हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम इस रूल को अप्लाई करें तो मेरे पास जो है वो ये आउटपुट आएगी आपके फर्स्ट टेबल में से, कहता है आप दो टेबल बनाएंगे P1 एंड P2। P1 में हमने जो है वो जितनी भी 30,000 से लेस देन थी सैलरी उसको हमने निकाला, एंड P2 के अंदर जो है वो सेकेंड रूल अप्लाई किया जिसमें ग्रेटर देन जो था वो 30,000 थी, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास, हाउ कैन यू चेक द फ्रेगमेंटेशन रिलेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब इसमें हम रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, कहता है मिनिमम फ्रेगमेंट्स लेफ्ट आफ्टर एलिमिनेशन, नाउ वी वांट टू एलिमिनेट द कंट्राडिक्टरी एलिमेंट्स फ्रॉम योर टेबल, बाई यूजिंग दिस वी डिवाइड इन टू द 6 मिनिमम प्रेडिकेट्स M1, M2, M3, M4 एंड M5 एंड M6, वेयर वी कैन यूज ऑल द साइड्स which is used in your table, then apply this cure. Then you can say that the contradictory elements will be removed, which is the M3 and M5. M3 and M5 are the contradictory elements. Okay, you can see that M3 and M5 contradict, so it can be removed. Our final output will be displayed in the form of project 1, project 2, project 4 and project 6. This is the final result of our algorithm. तो आज के लिए जो है वो हमारा यही था कि हमने प्राइमरी हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन को डिस्कस किया, हमने देखा कि फ्रेगमेंटेशन कैसे की जाती है, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन कैसे डिसॉल्व किया जा सकता है, देन उसके ऊपर हमने जो है वो एक एल्गोरिथम अप्लाई किया, ठीक है। होप सो कि आप सबको समझ आ गई है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।